शहर के चार दरवाजा विस्तार में आए हुए ऐतिहासिक और पौराणिक वैसे मांडवी स्थित नरसिंह जी की पोल में आए हुए छोटे नरसिंह जी मंदिर पर आज तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर में देव प्रबोधिनी एकादशी के साथ धार्मिक पर्व का प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में वडोदरा शहर की आन बान शान समान वैसे ऐतिहासिक चार दरवाजा विस्तार में आए हुए नरसिंह जी मंदिर पर फिलहाल पूर्णिमा को मनाने के भागरूप नरसिंह जी विवाह के लिए तमाम तैयारियों को अंतिम ओप दिया जा रहा है। उसी के साथ मांडवी स्थित आए हुए नरसिंह जी पोल में छोटे नरसिंह जी मंदिर से जाने जाते वैसे ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर पर आज तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। भगवान नरहरि लाला तुलसी जी के विवाह का आयोजन करते हुए यहां पर मौजूद वैसे भक्तों ने धन्यता प्राप्त की थी, जिसमें मिली जानकारी के आधार पर सालों पहले साधु संतों में से लालजी महाराज ने समाधि लेने से पूर्व दो शालिग्राम नरसिंह जी से पहचाने जाते थे, जिसमें से एक शालिग्राम की सेवा परिख यानी की एक बनिए परिवार को दी गई और उसी प्रकार से अन्य एक सेवा दवे यानी कि ब्राह्मण परिवार को दी गई। तब लालजी महाराज ने शर्त रखी थी कि ये शालिग्राम की सेवा नियमित रूप से करने के लिए अखंड दिया भी चालू रखना। यही परंपरा को सालों से मनाया जा रहा है और हर वर्ष देव प्रबोधिनी एकादशी के बाद के दिन यहाँ पर ठाकुर जी का तुलसी जी के साथ विवाह संपन्न किया जाता है। 200 साल पुरानी परंपरा को अभी भी बरकरार रखते हुए आज छोटे नरसिंह जी मंदिर पर आन बान शान और धार्मिक विधि संपन्न करते हुए तुलसी विवाह का आयोजन किया गया था।